अस्सलामुअलैकुम, कैसी है वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ आपको नीलम प्याज ब्लॉग में। बाबा अभी क्या खा रहे हैं? पराठा, पराठा और चाय मैं बना रही हूँ। बच्चे ने कहा पहले ही खा लेते हैं, शुरू हो गए अभी। बस खा लिया था। नहीं नहीं, अस्सलामुअलैकुम अंकल आंटी, आप सब कैसे की बहुत तबीयत खराब है और ऑपरेशन हो गया, खैरियत से उनका जी। वो गिर गई थी तो मतलब हिप का जो बोन है वो मतलब क्रैक हो गया था, तो उसकी वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो अभी ये है कि ऑपरेशन हो गया, दुआओं की रिक्वेस्ट है। ऑपरेशन हो गया है खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप लोगों को दुआओं की जरूरत है। मैं कराची गया था लेकिन उस टाइम ठीक थी, अभी गिरी है कुछ दिन, सभी गिरी है मेरी आने के बाद। तो आपको मालूम है आना और जाना इसमें बड़ा बहुत खर्चा लगता है, और हम तो गरीब बंदे हैं, जितना कमाते हैं घर में ही पूरा हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, आजकल महंगाई भी छूट किया करें। अगर किसी किस्म की कोई आप लोगों को चीज अच्छी लगती तो आप लोग बताया करें कमेंट्स में कि आप कैसी वीडियो चाहते हैं और हम वीडियो में क्या चेंजिंग लाए। बिल्कुल सही और बात है, सवाल होता है वो भी कमेंट्स में पूछ लिया करें। ये दिखा रही है जूतियों में, तो दिखा रही है यार। दो एक करो, यहाँ हम आए थे फयाज की ईद के लिए कपड़े लेने के लिए, वो कपड़े ले चुके हैं और भाई साहब यहाँ कटिंग कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, जैसे स्टिच होके आएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे फयाज के कौन से कपड़े ले। बाहर घूमते हुए टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला और इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था, तो मैंने फयाज को कहा कि यार मुझे कुछ खिला दो, मैं बहुत थक गई हूँ घूम घूम के। और इफ्तारी का भी टाइम बिल्कुल करीब था तो हम आके यहाँ बैठ गए। तो फयाज ने मंगवाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये बिरयानी। ये देखें कैसी लग रही है आपको, आपने कमेंट से ज़रूर बताना है। और बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की बिरयानी, मैं अक्सर यहाँ पर आके खाया करती हूँ। और हम जो है घर पहुंच चुके हैं। ये हैं बाबा के दो ड्रेस, ये येलो जो है मेरे पसंद का था और ग्रीन जो है ये फयाज के। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें गर्मियों के लिए बाबा के लिए रेडीमेड ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी ना तो घर में सिलाई करती इतने उसके ऊपर अच्छे नहीं लगते, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए ले देती हूँ दो जोड़े फिलहाल, फिर बाद में देख लेंगे जब ज़्यादा गर्मियाँ होंगी। ये इसके नीचे पजामा, और ये है नायाब ईमान की चूड़ियाँ। इन दोनों ने मुझे कहा था कि मैं वाली चूड़ियाँ लेके आना। ये देखें एक जैसी लाई हूँ, बाबा देखने देना अंकल आंटी को। ये है गोल्डन कलर में, चलो पहन लो नायाब पहन लो। हाँ बाबा की जी ड्रेस लेके आए ना, बाबा अपने ड्रेस संभाल सही है, वो फिर पहनाऊंगी। ये अमरूद लेके आई थी मैं बच्चों के लिए, अच्छे मिल रहे थे तो फिर मैंने बोला चलो ले लेते हैं इनके लिए। और ये हैं काले चने, प्याज खाते हैं क्योंकि शुगर है इनको, तो ये खाते हैं शौक से। छपी पीछे हटो बाबा। और ये है कपड़े का पीस है, ये छोटा सा बाबा का कुछ बनाना था मैंने ड्रेस, उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए था छोटा। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।